हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बात देखते हैं, अभी निफ्टी निफ्टी के जो ये ऑप्शन चैन है उसकी बात कर रहे थे। तो मार्केट शुक्रवार को सारे जो डेटा थे वो सब पॉजिटिव थे, मतलब कि जो ग्लोबल मार्केट थे वो सब पॉजिटिव थे। दोस्तों, हैंगसेंग का मार्केट भी बहुत ही सपोर्टिव था, और डाउजंस और यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, यूरोप का जो मार्केट ओपन हुआ क्या डेक्स, तो सभी पॉजिटिव थे। तो फिर भी मार्केट में अचानक से गिरावट आई और एक चीटिंग जैसा माहौल बना। जो इंट्राडे ट्रेडर थे, जो कॉल साइड से सबको लॉस हुआ है फ्राइडे को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी जो बंद हुआ है 11,419 पे बंद हुआ है, 177 पॉइंट डाउन है दोस्तों। तो देखते हैं कि निफ्टी की जो ऑप्शन जाने उसमें डेटा क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हुआ है और वहाँ कहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है या फिर कॉल राइटिंग हुई है, देखते हैं। तो बात करें, सबसे ज्यादा यहाँ पे 34 लाख शेयर जुड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 11,700 की कॉल में 34 लाख ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो। और 4,32,000 कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़े हैं इसमें। बात करें कॉल की, तो 11,700 की रेंज है। और पुट की बात करें हम, तो आउट द मनी की बात करें, ये सब इन द मनी थे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 30 लाख जुड़े हुए पुट में ओपन इंटरेस्ट, और 4,38,000 का ओपन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोस्तों ऐड हुआ है इसमें, तो पुट में। तो 11,300 की पुट निकल के आ रही है यहाँ, ऐसा समझ में आ रहा है देखते हैं डेटा जो है, और यहाँ 11,700 के बीच में। तो देख सकते हो यहाँ पे 11,700 के जो कॉल है उसमें भी ओपन इंटरेस्ट है वो 1,56,000 है, और 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। और यहाँ 11,700 के जो पुट है वहाँ पे देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट है वो दोस्तों है 6 लाख, और यहाँ पे 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनस हुए है कॉल में। तो पुट में 4 लाख का दोस्तों इजाफा हुआ है, यानी पुट में कॉन्ट्रैक्ट बढ़े है, और 11,700 की जो पुट है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनस हुए है यानी कम हुए है, और 11,300 की जो पुट है उसमें 4,38,000 ऐड हुए है, देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा है 30 लाख। और यहाँ पे कॉल की बात करें इन द मनी की, तो 34 लाख देख सकते हो, और अभी है 35 लाख है, थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत नहीं है ज्यादा। तो 11,600 की जो है यहाँ पे कॉल वो भी आप देख सकते हो। तो उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा दोस्तों कॉल में जुड़े हैं 11,600 की कॉल में, 17,50,000 यहाँ पे देख सकते हो, 17,50,000 यानी सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट जो जुड़े है वो है 11,600 की कॉल में। इंटर मनी की बात करें तो ठीक है, 11,600 की कॉल को आप ध्यान रखिए। और उसमें बात करें तो यहाँ 30 लाख है, उससे ज्यादा नहीं है, सबसे 4.5 लाख ही जुड़े। तो लगता है कि डेटा जो निकल के आ रहा है वो देख के लगता है कि 17 लाख जो शेयर जुड़े है कॉल में 11,600 की कॉल में, मतलब कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा ऐसा लग रहा है अभी डेटा देख के पब्लिक को, यानी वहां पे बाइंग हो रही है, ये सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, श्योर नहीं होते इसमें ये डेटा देख के। ठीक है, तो एक अंदाजा लग सकता है कि जो मंडे को जो मार्केट ओपन होगा दोस्तों, तो थोड़ा उसमें उछाल आ सकता है। तो देख सकते हो सबसे ज्यादा अभी तक की बात करें तो 35 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े है 11,600 की कॉल में, और सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा हम देखे तो 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो है दोस्तों 30 लाख का, 30 लाख का ही। तो 11,500 की कॉल में भी वहां पे भी कॉल को राइट किया गया है दोस्तों, कॉल राइटिंग हुई है इसमें भी। तो डेटा जो निकल के आ रहा है वो है कि पुट में जो है, जो इन द मनी जो पुट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कम ऐड हुए और कॉल साइड ज्यादा हुए, तो लगता है मंडे को एक शायद थोड़ा मार्केट स्टेबल हो सकता है।
ये डेटा अंदाजा लगा सकते हैं ये देख के। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं 24 लाख दोस्तों अचानक से। तो 11,500 की पहला सपोर्ट है रेजिस्टेंस, तो टारगेट जो फर्स्ट निकल के आ रहा है वो 11,500, ठीक है, तो वो ध्यान रखिए आप। और अभी निफ्टी के चार्ट में देखें यहाँ पे तो देख सकते हो अचानक एक रेंज में ही था अभी, और ये जो रेंज ये बनाई थी यहाँ पे ऊपर देखे तो 12,126 से 12,000 से, नीचे की रेंज देखे तो 11,110। और ये जो मैंने दोस्तों ये ड्रॉ की है जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर ले तो 11,419 पे बंद हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो यहाँ पे बात करें तो ये 7 जून 4 जून से बात करें हम, तीन और चार जून का डेटा है कैंडल के पैटर्न हम देखे तो 12,000, तो दोस्तों देख सकते हो 12,101 से गिरकर यहाँ पे फिर एक सपोर्ट बनाया था दोस्तों 11,600 का, फिर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है उसे क्रॉस करके नहीं निकल पाया, यहाँ पे सपोर्ट मिला और ऊपर रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है दोस्तों, तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 11,900 यानी 12,000 के करीब ही है दोस्तों, तो 12,000 क्रॉस करने में दिक्कत होगी, दो बार वहां से घुमा है जो निफ्टी का जो चार्ट है मार्केट, तो 12,000 क्रॉस करने में दिक्कत होगी। और नीचे का लेवल जो निकल के आ रहा है दोस्तों तो वो है अभी 11,450, तो उसी को भी क्रॉस करके निफ्टी यहां से भी नीचे टूट चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अरे ये जो अभी की जो ट्रेंड लाइन में हम देख सकते हैं 11,400 का जो ये सपोर्ट है, तो देख अगले वीक में देखना पड़ेगा कि 11,400 का सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। ये जो बड़ी वाली आप जो कैंडल देख रहे हो लोअर शेडो ज्यादा है दोस्तों, यानी ये बहुत ही कमजोरी है इसमें, ये कैंडल में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये ओपन होके यहाँ पे क्लोज हुई है, और ये शेडो जो नीचे निकल के आ रहा है वो बहुत ही बड़ा है, यानी नीचे के साइड बहुत ओपन है मार्केट में, यानी ये बहुत कमजोर कैंडल है, तो देखना पड़ेगा ये जो लेवल है 11,400 का वो अगर टूटेगा तो उससे भी नीचे जा सकता है 11,000। फिर अगला जो सपोर्ट है वो है 11,380 से लेके 11,350 का, तो वहाँ देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलता है या वो लेवल भी टूट जाता है। तो अपर साइड की बात करें तो बहुत ही कम है डेटा में देख के, और लोअर साइड ज़्यादा खुल रही है मार्केट में, तो ये देख सकते हो 14 मई को जो लो बनाया था निफ्टी ने तो 11,100 से घुमा था, यहाँ पे देख सकते हो 11,100 का जो लो बनाया था यहाँ पे, तो 11,100 का ये लो है बात करें। ओके तो ये देख सकते हो ये जो कैंडल है 14 मई की, तो 11,100 अगर अगला जो सपोर्ट है बहुत ही मार्केट अगर टूटेगा तो 11,100 तक भी जा सकता है, तो बहुत दूर नहीं है यहाँ से जो हम टारगेट नीचे की तरफ अगर डाउन साइड देखे तो वीकनेस ज्यादा है चार्ट देख के देख सकते हो, बहुत ही बड़ी कैंडल है, बहुत ही डरावनी है जो शुक्रवार को जो बनी है कल की बात करें तो। और यहाँ पे देख सकते हो ये कई कैंडल भी बनी थी यहाँ पे 9 जुलाई को, तो नीचे का जो अभी कंसोलिडेट जो कर रहा था ये जो ट्रेडिंग रेंज था उससे बाहर निकल के नीचे का लेवल तोड़ चुका है निफ्टी, तो ध्यान रखें अपनी जो पोजीशन है उसमें अभी कुछ मत कीजिए। और आगे बैंकिंग शेयर है जो दिग्गज शेयर है जो 11 शेयर है हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के, उसका सपोर्ट मिलेगा तो निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, अदरवाइज यहाँ से भी नीचे जा सकता है। तो ग्लोबल मार्केट का अभी कुछ सपोर्ट नहीं लग रहा क्योंकि फ्राइडे को जो हैंगसेंग की बात करें और डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करें तो सभी पॉजिटिव थे, तो फिर भी ये जो कैंडल है वो बहुत ही नीचे के शेडो है बहुत खुल चुका है लोअर शेडो की बात करें तो अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है यहाँ से वो भी
11,300 की ओर बढ़ेगा, और अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ई लेवल जो है वो क्रॉस होना चाहिए। देखते हैं यहाँ से, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही 45 डिग्री से ज्यादा ये ट्रेंड लाइन नहीं बननी चाहिए। और हम यहां से अगर बात करें, ओके, ओके, तो अपर का जो लेवल है तो 11,700 क्रॉस करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, ऊपर की ट्रेंड लाइन की बात करें तो पॉजिटिव में। और नीचे की बात करें तो जैसे कि सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है 11,000, पहला टारगेट जो है नीचे की तरफ वो है 11,380, और वो टूटेगा तो फिर 11,350। और ऊपर के साइड की बात करें अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगा तो ये जो लाइन है यहाँ जो क्लोज हुई थी कैंडल 11,680 के आसपास, ये आप देख सकते हो, तो 11,680 क्रॉस करना चाहिए तो ही मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो अगला डेटा अभी एक दो दिन बाद देखेंगे हम, ओके। तो मेरी वीडियो चैनल की देखते रहिए, उसमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दी जाती है मार्केट के रिलेटेड। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।